नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार देर रात को अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार ने कहा कि उसने कंटेनमेंट जोन के बाहर ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां शुरू करने का फैसला किया है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होंगी और 31 जुलाई तक मान्य होंगी। महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्य पहले ही 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा चुके हैं। अनलॉक 2 में स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग इंस्टीट्यूट को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम्स और ऐसे ही अन्य जगहें भी बंद रहेंगी। ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, एकेडमिक और धार्मिक कार्यक्रम या ऐसे ही कुछ दूसरे कार्यक्रम जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान हो, उन पर भी पाबंदी जारी रहेगी। भारत में बीते 24 घंटों में 18,522 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 5,66,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 16,893 हो गया है। फिलहाल एक्टिव केस 2,00,000 से अधिक हैं। भारत में बीते 24 घंटों में 2,10,000 से अधिक सैंपल टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अभी तक हुए कुल कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 86,00,000 से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 181 लोगों की मौत हुई और 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,69,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच चुका है। फिलहाल एक्टिव केस 73,000 से ज्यादा हैं। दिल्ली में एक दिन में 2,084 नए मामले सामने आए हैं और 57 लोगों की मौत हुई, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 85,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 2,680 हो गया है। वहीं 56,000 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जिससे एक्टिव केस 26,000 से ज्यादा हैं। गुजरात में एक दिन में 626 नए मामले सामने आए हैं और 19 लोगों की मौत हुई है, इससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 32,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 1,828 हो गया है। वहीं 23,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 685 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल सक्रिय मामले 6,650 हो गए और मरने वालों का आंकड़ा 672 हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा कि वो कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए एक टीम को चीन भेज रहा है। WHO ने चेतावनी दी है कि COVID-19 के राजनीतिकरण और इस पर बटी हुई दुनिया के बीच डर है कि अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है। WHO एक टीम को अगले हफ्ते ही चीन भेज रहा है, जो ये पता लगाएगी कि वैश्विक महामारी फैलाने वाला वायरस आखिर आया कहां से। WHO के प्रमुख ने कहा कि महामारी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। टेड्रोस एडनॉम गिब्रेसोस ने एक ब्रीफिंग में कहा, कड़वी सच्चाई ये है कि ये खत्म होने के करीब भी नहीं है। हालांकि दुनिया के कई देशों ने कुछ प्रगति की है, लेकिन महामारी बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 1,02,00,000 से अधिक हो गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के ज्ञात मामले 1,02,70,000 से अधिक हो गए हैं, जबकि 5,04,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 25,88,000 से अधिक हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 1,26,000 से ज्यादा हो गया है। ब्राजील में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 13,68,195 हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 58,000 से अधिक हो चुका है। संयुक्त अरब अमीरात में सरकार ने धर्मस्थलों को खोलने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक सरकार ने आगामी 1 जुलाई से सभी मस्जिदों और अन्य धर्मस्थलों को खोलने का ऐलान किया है। संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 48,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में वैज्ञानिकों ने फ्लू के एक ऐसे नए स्ट्रेन की पहचान की है, जिसमें महामारी का स्वरूप लेने की क्षमता है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये स्ट्रेन सुअरों में होता है, लेकिन ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। शोधार्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये वायरस अपना स्वरूप बदल सकता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेहद आसानी से फैल सकता है और एक महामारी का रूप ले सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।